हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर मिले। क्योंकि बच्चों, एक टॉपर कैसे कॉपी लिखता है और एक एवरेज स्टूडेंट कॉपी कैसे लिखता है, इन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे लिखना है हिंदी की कॉपी, आपको 98 प्लस नंबर मिलने वाले हैं। बिल्कुल एक ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखते हो तो मैं कहता हूं 98 में 98, 100 में 98 नंबर आप ला सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास समय कम बचा है। देखिए, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन मेन वही पढ़ता है जो वहां के 3 घंटे 15 मिनट का यूज जो है वो सही से कर पाते हैं। जो भी स्टूडेंट इन 3 घंटे 15 मिनट का यूज अगर सही से कर लेता है, वही स्कोर 100 में 98 कर लेता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको भी 3 घंटे 15 मिनट का ही समय मिलता है, वो 50 स्कोर कर पाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको उतना ही समय मिलता है लेकिन वो 98 प्लस या 95 प्लस स्कोर कर लेते हैं। क्या डिफरेंट होता है, क्या उनकी सोच होती है, क्या वो करते हैं कॉपी में ऐसा, तो इन सारे टॉपिक पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम। देखिए, हर एक एवरेज स्टूडेंट 3 साल में क्या पढ़ता है, 2 साल आपने 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, ठीक है। आप लोगों ने ज़्यादातर स्टूडेंट, लगभग 50% स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th को सीरियस मोड में नहीं लेते हैं। वो 11th को सीरियस मोड में नहीं लेते हैं और 12th पर फोकस ज़्यादा करते हैं। तो वो सोचते हैं 12th में हमें अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, तो वो क्या करते हैं, 12th को पढ़ते हैं 2 साल, तब भी वो बोर्ड में लगभग 70, 75 या 80 में लुढ़क जाते हैं, 80% तक ही रह जाते हैं। क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉपी का फर्स्ट पेज इस प्रकार सा होता है। ये पूरा मैटर करता है कि आपका नंबर किस तरीके से मिलने वाला है। एक कॉपी का फर्स्ट पेज भरना, आप सोचेंगे, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कैसे कॉपी का पहला पेज भरना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले परीक्षार्थी का जो नाम होता है, अनुक्रमांकन होता है, वो अंकों में डालना होता है। फिर परीक्षार्थी का अंक जो अनुक्रमांकन होता है वो शब्दों में। अभी मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ भर कर बताऊँगा। बस आपको वो पेपर के समय जो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं उसका यूज कैसे करना है, वो सबसे बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, कैसे आपको अपनी राइटिंग को इंक्रीज करना है, आपके पेपर के बहुत कम समय बचाए, ऐसे में आपको क्या करना है, आपको डे बाई डे प्रैक्टिस करना है, राइटिंग लिखने का प्रयास करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको सॉल्व करना है और आपको अच्छे से मेहनत करनी है। मान लीजिए हमारे पास परीक्षार्थी का अनुक्रमांकन अंकों में मान रहा है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी विद्यार्थी है जिसका अनुक्रमांकन क्या है, 1, 2, 5, 4, 7, 8, 9, 0। ये कोई हमारे एक विद्यार्थी है जिसका अनुक्रमांकन है, आपका भी कोई अनुक्रमांकन हो सकता है। ये हमारे विद्यार्थी क्या क्या है बच्चों, अनुक्रमांकन है। अब हमें यही, मान लीजिए हम ही पेपर दे रहे हैं और यही अनुक्रमांकन हमें क्या करना है, अब शब्दों में डालना है। देखिए, अब हमने अंकों में डाल दिया, एकदम अच्छे अच्छे तरीके से काट पीट नहीं करनी है, अब यही अनुक्रमांकन हमको शब्दों में डालना है। अब बच्चे क्या करते हैं, 1,21,000, 10,000, 10,00,000, 10,00,000, 1,00,000, 25,00,000, इस तरीके से भरते हैं। इस तरीके से आप मत भरिएगा, रहने दीजिए। आप क्या करिए, आपको लिखना है 1, 2, 5, 4, 7, 8, 9 और फिर लास्ट में आपका है 0। आप इस तरीके से एकदम मस्त मस्त, एकदम जहर तरीके से आपको कॉपी को लिखना है, 1, 2, 5, 4, 7, 8, 9, 0 आपको इस तरीके से कॉपी में लिख देना है। अब आप बात आती है हमारा विषय क्या है, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, हमारा विषय रहेगा हिंदी।
हिंदी। किस सब्जेक्ट पर बात करेंगे? आज हम बात करें हिंदी की। प्रश्न पत्र हमारा क्या है? पहला है, या आप यहां पर ओनली भी डाल सकते हो, ओनली, ठीक है। प्रश्न पत्र अंकित संकेत, मान लीजिए हमारे पास प्रश्न पत्र है, ये हमारे पास कोई प्रश्न पत्र है, 2023 का बोर्ड का पेपर है। अब अंकित संकेत होते 302ZM है, क्या है बच्चों? 302ZM, ये चीज हमें क्या करनी है, यहां पर लिखना है 302ZM, हमें अच्छे से लिखना है। हमने लिख दिया 302ZM, ठीक है, हो गया। क्या कह रहा प्रश्न पत्र अंकित संकेत, ठीक है। अब मान लीजिए परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन क्या है? परीक्षा का दिन हमने मान लिया सोमवार है, सोमवार है, आपको परीक्षा का दिन डाल देना है। क्या है बच्चों? हमने मान लिया हमारा जिस दिन पेपर हो रहा है, परीक्षा का दिन है सोमवार। परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि आज कितनी तारीख है बच्चों? 22 तारीख है, 22, 11, 2023, 22/11/2023 आज की हम डाल रहे हैं। आपका जब पेपर होगा तब आप डालेंगे दिन भी, आप वही डालेंगे जो आपका पेपर होगा। आपको हिंदी का पेपर है, आपको अपना रोल नंबर डालना है, और ये पेपर जो प्रश्न पत्र कोड है वो आपका जो पेपर मिलेगा उसमें दिया होगा। अब आपको क्या करना है, अपना केंद्र का नाम डालना, जहाँ पर भी एक्स ए वी सी डी ई एफ डॉट जेड, आपके परीक्षा केंद्र का जो भी नाम होगा, केंद्र का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। जहाँ पेपर दे रहे हैं उसका केंद्र का नाम जो है वो आपको डाल लेना है। इतना चीज़ भरने के बाद उसके नीचे अगर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहता है कच्छ निरीक्षक भरे। इसमें क्या करना है, आपको खुद से नहीं भरना है, यहाँ पर जो कच्छ निरीक्षक होगा वही इन सारी चीज़ों को भरेगा। आपका जो भी कक्ष निरीक्षक होगा वही इन सारी चीज़ों को भरेगा। अब परीक्षा कक्ष संख्या, मान लीजिए आपकी परीक्षा 25 रूम नंबर में हो रही है, एक रूम नंबर में हो रही है, दो कमरा नंबर में हो रही है, तो परीक्षा कक्ष संख्या अब आपका जो भी हो सकता है एक्स वाई जेड, आप बुक परीक्षा कक्ष संख्या आप अपने डालेंगे। फिर क्या कहता है, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, आपका जो कक्ष निरीक्षक होगा वो अपना पूरा नाम डालेगा और स्पष्ट हस्ताक्षर करेगा विद दिनांक के साथ, वो अपनी उस दिन की दिनांक भी डालेगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको भरनी है जो मैंने आपको भर के बता दी। अब बात आती है, सर ये क्या खाने जैसे बने हैं? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, परीक्षकों को चाहिए, परीक्षकों को चाहिए कि निम्न तालिका में प्रश्न तथा उनके खंडों में प्राप्त व्यवहार का व्यवस्थन करें। देखिए जो आप कॉपी चेक होगी उसमें का खा खंड होता है पेपर में, उन का खा खंड के हिसाब से आपकी एक कॉपी आएगी, उस कॉपी का मूल्यांकन होगा, तो वो यहाँ पर आपकी कॉपी के ऊपर ही नंबर लिख देते हैं और यही चार्ट बनकर जाता है और आपके नंबर चढ़ जाते हैं और आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉपी का फर्स्ट पेज जो है वो भरना है। अब बात आती है कॉपी में हमें कैसे पेपर करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई कॉपी है, क्या है बच्चों? ये हमारे पास कोई एक कॉपी है, ठीक है। सर अब हमें यहाँ पर कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर अंत करें? आपको वो जो भी बोर्ड में कॉपी मिले उसके इधर भी आपको एक लाइन ड्रा करनी है, इधर भी दो लाइन ड्रा करनी है, एक करिए या दो करिए, मैंने इधर दो करी है लेकिन एक हो गई है ऊपर जाके, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने कॉपी का ये वाला पेज पलटा और ये पेज आ गया आपके पास, ऐसा कुछ पेज आ गया। अब आपको क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है? हमारे पास है हिंदी का पेपर, ठीक है, इसमें प्रश्न पत्र जो है 3 घंटे 15 मिनट का है, सामान्य हिंदी का है, ठीक है। आपको वहाँ पर भी सामान्य हिंदी डाल देना है, और आप मैंने हिंदी इसलिए बता दी क्योंकि सारे लोग बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, क्लास 10th का भी कोई स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, पूर्णांक हमारा 100 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना, हम सबसे पहले खंड का को हल करेंगे, ठीक है। अब हमें जो पेपर हमारा है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे, खंड का। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, डालेंगे खंड का,
क्या डालेंगे हम, खंड का डालेंगे। और खंड का डालने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से अंडरलाइन करके, इस तरीके से आप अंडरलाइन कर दोगे। आपने खंड का डाल दिया, उसके नीचे आपने क्या किया, अंडरलाइन कर दी, ठीक है। अब जैसे खंड का डालकर आपने अंडरलाइन की है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नीचे डालेंगे प्रश्नोत्तर या क्वेश्चन आंसर, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आप यहां पर डालेंगे, या यहां पर आप डाल लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या, आपने क्या डाल दिया, प्रश्नोत्तर संख्या, आप ब्लैक पेन से डाल सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी और इसके नीचे अंडरलाइन कर दी, ठीक है। आपने इतना लिखने के बाद अब आपको शुरू करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपके जो कॉपी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे हमें लिखना है, क्या लिखना है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करना है और हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको नहीं उतारना है, आपको क्या करना है, आपको साइड में लिखना है, इधर साइड में लिखना है प्रश्न एक, प्रश्न एक लिख देना है। किसका लिख रहे हैं हम, का खंड का लिख रहे हैं, प्रश्न एक लिख दिया। अब प्रश्न एक का हम कौन सा खंड हल कर रहे हैं बच्चों, का खंड हल कर रहे हैं, ठीक है। आपने का खंड डाल दिया, अब हमें प्रश्न पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा एक संपादित पत्रिका है, हिंदी प्रदीप है, कवि वचन सुधा है, आनंद कदम्बिनी है या फिर ब्राह्मण है। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कि इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्होंने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है। अब हमें आंसर पता है मान लीजिए, अब हमें एक क्वेश्चन नहीं नोट करना है, हमें नीचे यहां पर डालना है उत्तर, उत्तर डालना है। अब आप मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो ठीक है, अब हमें पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा पत्रिका इनमें से जो, देखिए हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित की थी, तो हमारी पहला इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही क्या होगा, हमारा दूसरा वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। और हम क्या करेंगे, अगर आप इतना छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हो कवि वचन सुधा भी, लेकिन अगर आप समझिए मेरी बात को, अगर आपको क्लियर नहीं पता है, क्लियर नहीं पता है कि कवि वचन सुधा ही है और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, आपने क्या किया है ऐसे ही छोड़ दिया है, अगर एग्जामिनर चाहेगा तो अगर तीसरा सही था या दूसरा सही था तो वो काटेगा आगे लिख देगा, तो ज़्यादा खिचड़ी नहीं होगी। एग्जामिनर अगर चाहता है आप एक दो नंबर से, अगर जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं जिनको नहीं आता है वो क्या करेंगे, वो इनके नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऑप्शन डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको क्लियर पता है, हमें क्लियर पता है कवि वचन सुधा पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, तो हम क्या करेंगे लिख देंगे कवि वचन सुधा, ठीक है, हमने लिख दिया कवि वचन सुधा, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा कौन सा खंड आएगा बच्चों, अगला खंड आएगा खा खंड, क्या बच्चों है, खा खंड है। आप लाइन छोड़ देंगे या नहीं, आप छोड़ के लिखेंगे तो अच्छे एकदम लग जाएगा, खंड का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है उसका खंड खा बात कर रहे हैं। अब खंड खा में हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है, या आप यहाँ पर उत्तर की जगह पर क्वेश्चन और आंसर का भी प्रयोग कर सकते हो। तो खंड का क्या है, श्रद्धा भक्त जो निबंध है उसके लेखक कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या विद्या निवासन मिश्र हैं। तो अगर हम बात करते हैं किस निबंध की, श्रद्धा भक्त निबंध की, तो आपके दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने लिखा है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है बच्चों, तीसरा वाला सही है, तो हम क्या लिखेंगे, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। आपको राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है लेकिन आप दूर दूर लिखोगे साफ साफ, ठीक है। अगला हम बात करेंगे खंड गा की, जब हम खंड गा की बात करेंगे तो इसका भी हम उत्तर लिखेंगे। मान लिया क्या है क्वेश्चन, क्या है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, एक उपन्यास है रंगभूमि, इसको किसने लिखा है। तो अगर हम बात करें रंगभूमि को, वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है या जयशंकर प्रसाद ने लिखा है या प्रेमचंद्र या चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। तो अगर हम बात करें रंगभूमि की तो आपकी जो प्रेमचंद्र जी हैं, किसने लिखा है बच्चों, प्रेमचंद्र जी ने,
प्रेमचंद्र जो रंगभूमि निबंध एक निबंध है उसको प्रेमचंद्र ने लिखा, और किस ऑप्शन में है, हमारा तीसरा ऑप्शन में है, ये भी हम लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला हम बात करते हैं घाखंड की, हो गए घाखंड की बात करते हैं। घाखंड में हमसे पूछ रहा गया है कि कर्मनाशा की हर एक कहानी है, इसके लेखक कौन है, तो इसका भी हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे उत्तर। कर्मनाशा की हार जो है एक रचना है, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है शिव प्रसाद सिंह ने। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा, किसने लिखा है बच्चों, शिव प्रसाद सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन अड़ा का है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध है जो वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है मान लिया, ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध है उसको किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने एक पृथ्वी पुत्र निबंध पढ़ा था, उसी के निबंध संग्रह से लिया गया, किससे, पृथ्वी पुत्र से। और पृथ्वी पुत्र किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। इसमें शिव प्रसाद सिंह किस ऑप्शन में था बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में था, इधर लिख दीजिए चाहे उधर लिख लीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा है। तो आप लोग ऐसे पेपर को हल करोगे। अब हम बात कर लेते हैं खंड खा की, क्योंकि हमारा पेपर पेज भर चुका है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, अब हम बात करते हैं पेपर का भी, नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं खंड खा का, ठीक, सॉरी खंड का ही है लेकिन क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा डालना है। हम यहां पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे प्रश्न संख्या, ब्लैक पेन से लिखेंगे बच्चों, किस पेन से लिखेंगे आप लोग, ब्लैक पेन से लिखेंगे। प्रश्न किस कौशा बात कर रहे हैं, दूसरा, ठीक है। दूसरे का किस खंड की सबसे पहले हम बात करेंगे, हम बात करेंगे का खंड की, फिर का खंड का हम क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखेंगे। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, काखंड में क्या कह रहा है। अब देखिए आपको कह रहा है कि गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, गिरजा कुमार माथुर एक कवि हैं, वो किस काल के कवि हैं। तो अगर हम बात करें गिरजा कुमार माथुर जो हैं वो आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं, रेत काल के, आधुनिक काल। तो अगर हम बात करते थे गिरजा कुमार माथुर की, तो गिरजा कुमार माथुर मैंने आपको ये रचना पढ़ाई हुई है, किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के, सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। आधुनिक काल के हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप हल करेंगे खंड खा को भी, किस खंड को आ करेंगे। अब हमारे पास खंड का जो का खोक्स क्वेश्चन था, दूसरे का खंड था, फिर खा है। अब हम दूसरे का क्वेश्चन नंबर खा हल करेंगे। अब खा में हमसे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ खा डाल देंगे इस तरीके से। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिख देंगे, ठीक है। उत्तर में क्या है, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, सूरदास हैं, चंद्रप्रदा या तुलसीदास हैं। तो अगर हम बात करें तो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख जो कवि हैं वो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल हैं। कौन है बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल, कौन है बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल। इसी प्रकार से खंड गा डाल देंगे, खंड का को हमने हल कर लिया और खा भी इसका देख लिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर दो चल रहा है। अब इसका गा देखेंगे और गा का भी हम उत्तर लिख देंगे। लहर काव्यकृति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती या आज्ञे जी। तो अगर हम बात करें लहर एक काव्यकृति, इसको किसने लिखा है, तो लहर की जो रचना की थी वो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, किसने, जयशंकर प्रसाद जी ने, किसने, जय शंकर प्रसाद, कौन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्या है देखिए, अगला है घाखंड, घाखंड है, घाखंड में कह रहा है कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग से लिया गया। अगर हम इसका उत्तर लिखेंगे तो उर्मिला का जो बिरहा वर्णन है वो किस सर्ग से लिया गया है, वो बच्चों नवम सर्ग से लिया गया, किस सर्ग से लिया गया है, नवम सर्ग से लिया गया। और नवम सर्ग किस ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है, ठीक है। अगला देखिए और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
अड़ा में हमसे क्या लिखना है, उत्तर लिखना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तन किस कवि की रचना है, एक रचना है परिवर्तन, वो किस कवि की है, रत्नाकर की है, सुमित्रानंदन पंत की है, निराला के या धूमल की। तो अगर हम बात करें परिवर्तन, तो परिवर्तन को लिखा है बच्चों सुमित्रानंदन पंत ने, और एक किस ऑप्शन में दिया गया, पहला किसने लिखा है, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने आपको पूरे दो खंड हल करके बता दिए। वैसे भी अगर आपको इस पेपर का पूरा सलूशन चाहिए तो मैंने आपको अपलोड कर दिया, ये पूरा पेपर मैंने खंड के खंड का खा और गा पूरा पढ़ाया हुआ है, गद्यांश पद्यांश आपको पूरा पेपर हल करके बताया हुआ है। तो पूरा पेपर आपको हल कर लेना है इसी प्रकार से, आपको कॉपी को एक से दो बार आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लेना प्रीवियस ईयर का, उसको हल करने का प्रयास करना है, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हम कितने समय में पेपर को हल कर सकेंगे, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है उस वो और भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन को और भी अच्छी करने के लिए आपको क्या करना है, पेपर को हल करते हुए चलना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कई सारे पेपर को हल कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और भी अच्छी हो जाए, और आप वहाँ पर आपको जो 3 घंटे का समय मिलेगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कितने समय में अपना पूरा पेपर हल कर सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको कोई और डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्यूरी रहती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई विल टेक अ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में।